जब से हम यहाँ आए हैं और बैठे हैं, आप अपनी कब्र से आधे घंटे नजदीक हैं। आपको बीमारों के लिए बनाए किसी घर या एक हॉस्पिटल वार्ड में जाकर सेवा देनी चाहिए जहाँ लोग मरते हैं। जब आखिरी पल आता है, जब वो मरते हैं, वो बस हैरान होते हैं। मेरा सवाल ये है, मान लीजिए मानवता इस कठिन समय को पार कर लेती है, फिर हम क्या करेंगे? अगर हम एक आदर्श समाज बन गए जहां हर कोई शांति से साथ में है, तब हमारे खेल का अंत क्या होगा? हम किस चीज के लिए प्रयत्नशील होंगे? आपके और इन लोगों के बीच कोई डील है क्या? देखिए, इसे इस तरह सोचिए, क्योंकि असल में आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये सारे लोग क्या चाहते हैं। खुद को देखिए, अभी आप सोच रहे हैं कि आपको एक इंजीनियर बनना है। मान लीजिए मैं आपको इसी पल एक इंजीनियर बना दूं। फिर आप सोच रहे हैं आपको एक जॉब चाहिए, मैंने जॉब दिला दिया। फिर आप प्रमोशन की सोच रहे हैं, मैंने करवा दिया। फिर आपको एक अवार्ड चाहिए, मैंने दिलवा दिया। फिर आपको लगता है कि आपको दौलत चाहिए, मैंने ठीक अभी आपको दे दी। हर वो चीज जिसका आप सपना देख सकते हैं, मैंने इसी वक्त आपको दे दिया। अब आपको क्या चाहिए? मुझे नहीं पता। अरे, मैं आपके लिए कर सकता हूं। मान लीजिए मुझे एक जॉब चाहिए। हा? मैं अभी एक जॉब के लिए कोशिश कर रहा हूं। हाँ, अब हम खेल के अंत की बात कर रहे थे ना। आपको जो भी चाहिए था, आपको इसी वक्त मिल गया। वो चीजें जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, चीजें जिनकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, सब कुछ आपको अभी मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? मुझे नहीं पता होगा, अब क्या करूं? इस पर थोड़ा गौर कीजिए। देखिए, जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में बस संघर्ष चाहते हैं। एक जॉब पाने के लिए 3 साल लगेंगे, फिर आप फील करेंगे, वाह, मुझे जॉब मिल गया। उन सभी लोगों को देखिए जिनके पास अच्छे जॉब्स हैं, उन्हें सड़क पर चलते हुए देखिए, क्या उन सबसे आनंद और परमानंद टपक रहा है? हेलो, दुखी लोग हैं, उन्हें काम पर जाने में ब्लड प्रेशर हो रहा है, उन्हें हर तरह की बीमारी हो रही है, वो पागल हुए जा रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या चाहिए? यहां कोई लड़की है क्या? आपको क्या चाहिए? मैं नहीं जानता अब। ये अच्छा है, मैं नहीं जानता मुझे पसंद है, क्योंकि वाकई आप नहीं जानते। हर कोई अपने आप को जीवन के हर कदम पर बेवकूफ बना रहा है, ये सोचकर मुझे ये चाहिए कि मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है मुझे। ये आपको 5-7 साल के लिए बिजी रखेगा। फिर मुझे जॉब चाहिए, जॉब जॉब, ये आपको 1-2 साल और बिजी रखेगा। फिर मुझे ऐसा जॉब चाहिए, वैसा जॉब चाहिए, आपको ये और 8-10 साल के लिए व्यस्त रखेगा। मुझे इतना पैसा चाहिए, उतना धन चाहिए, और 25 सालों के लिए आपको बिजी रखेंगे। मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, उस तरह की लड़की चाहिए, उस तरह का लड़का, ये आपको कुछ साल व्यस्त रखेगा। फिर बच्चे हो जाएंगे, मैं अपने बच्चे को ये बनाना चाहता हूं, ये। चलिए, हम आपके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको बस इतना समझना पड़ेगा, चाहे अभी आप अपने जीवन को हर तरह के संदर्भ दे रहे हैं, असल में आप जिसे अपना जीवन कहते हैं, वो बस समय और ऊर्जा का एक खास कॉम्बिनेशन है। हाँ, यहां बैठे हुए हम सबके लिए समय निकलता जा रहा है, क्या आप इसे पीछे कर सकते हैं? आप एक इंजीनियर हैं, क्या आप इसे पीछे पलट सकते हैं? कल फलदाई नहीं था तो मैं इसे पीछे धकेल दूंगा, कर सकते हैं? नहीं। इट्स रोलिंग अवे फॉर ऑल ऑफ अस एज वी सिट हियर। व्हाट इज टिकिंग अवे हियर इज नॉट द क्लॉक,
What is ticking away is our life, isn't it? ये हम सब के लिए निकला जा रहा है। यहाँ जो टिक टिक हो रहा है वो घड़ी नहीं है, ये हमारी जिंदगी निकलती जा रही है कि नहीं? जब से हम यहाँ आए हैं और बैठे हैं, आप अपनी कब्र से आधे घंटे नजदीक हैं। चाहे आप कितने भी जवान हो, आप वहीं पहुँचने वाले हैं ना? हाँ या ना? तो ये एक समय अवधि है और उस समय को कोई मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब के लिए एक ही गति से जा रहा है। आप कुछ करें, आप कुछ ना करें, आप सोए हों, आप जागे हों, खुश हों, दुखी हों, आप चाहे जो कर लीजिए, ये बड़ी निर्दयता के साथ निकलता जा रहा है ना? तो एक ऊर्जा है जिसे आप जीवन कहते हैं। इसे आप कई स्तर तक ले जा सकते हैं अगर आप ऐसे हैं। मैं क्लासरूम एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। अगर आप ऐसे हैं, 24 घंटे हजार साल जैसे लगते हैं। लेकिन आप देखेंगे किसी एक दिन आप बहुत खुश हैं, 24 घंटे पुफ एक पल जैसे निकल गए। हाँ या ना? तो समय एक बहुत ही सापेक्षिक और व्यक्तिगत अनुभव है। अगर आप आनंद में हैं और आप 100 साल जिए, ये कुछ पल जैसा महसूस होता है, ये बस चला गया। सिर्फ दुखी लोगों की लंबी जिंदगी होती है, क्योंकि अगर आप दुखी हैं तो आपको हमेशा यह लगेगा कि जिंदगी बहुत लंबी है, आप इसे छोटा करना चाहेंगे। पर अगर आप आनंद में हैं तो जितनी संभावनाएं एक इंसान में मौजूद हैं, इससे पहले कि आप उन्हें खोज पाएं, ये खत्म हो जाती हैं। सच में इसमें इतनी सारी संभावनाएं छुपी हैं। तो आपको अपनी ऊर्जाओं को मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि जीवन एक खास मात्रा की ऊर्जा है, यह असीमित नहीं है, पर इसे बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए आप ऊर्जा के एक स्तर पर काम करते हैं, तो जो आप 10 साल में कर पाएंगे, उसी चीज को आप 1 साल में कर सकते हैं अगर आप ऊर्जा के एक दूसरे स्तर पर काम करें। मान लीजिए ये दोनों लोग 100 साल जिए, तो उनके प्रभाव और उनके अनुभव की गहनता की अगर बात हो, तो एक इंसान 1000 साल जिया और दूसरा 100 कष्टदायी साल। तो आप बस इतना ही कर सकते हैं। अभी शायद आप सोच रहे हैं इंजीनियर ये या वो, ये सब सीमित संदर्भ हैं जो आप अपने लिए बना रहे हैं। बुनियादी तौर पर एक जीवन के रूप में ये बस समय और ऊर्जा है ना? सवाल ये है कि आप इससे क्या बनाते हैं, क्या आप इससे कुछ बनाना चाहते हैं? ये कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको इससे कुछ बनाना ही है। जब मैं इससे कुछ बनाने की बात कह रहा हूं, तो मैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूं। आपको समाज में क्या बनना चाहिए, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। बुनियादी तौर पर आप यहां एक जीवन के रूप में जीवन को अनुभव करने आए हैं। सवाल यह है कि कितनी भव्यता से, कितनी गहनता से। अभी अगर लोग जीवन को अनुभव करना चाहें तो वो क्या प्रयोग कर रहे हैं? वो ये प्रयोग करेंगे, नहीं ये नहीं, ये वाला। हाँ हाँ, मैं जानता हूं आप लोगों को। या फिर वो ये प्रयोग करेंगे या कुछ और करेंगे। वो प्रयोग ये कर रहे हैं कि अपनी क्षमताओं को नीचे कैसे लाया जाए। पता है, अमेरिका के कुछ राज्यों ने गांजे को लीगल कर दिया है। तो जब मैं वहां के कुछ कॉलेज या विश्वविद्यालयों में गया, तो मुझसे पूछते हैं, सदगुरु आप इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहते, आपको हमारे लिए गांजे को लीगल करवा देना चाहिए। मैंने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गांजे को लीगल करवा देंगे, कोकेन को भी लीगल करवा देंगे, मेथ को भी लीगल करवा देंगे, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतनी सी बात है कि आप इसे क्यों लीगल करवाना चाहते हैं, ताकि आप फूंक कर कॉलेज आ सकें, है ना? चलिए ये ठीक है, पर मान लीजिए आपको एक हवाई जहाज में यात्रा करनी है और पायलट पूरा फूंक कर आता है, आप उसके साथ उड़ना चाहेंगे? क्योंकि ये बंदा तो बिना हवाई जहाज के उड़ रहा है। ओके, आपको बात समझ में नहीं आ रही है। आपको एक बड़ी सर्जरी करवानी है,
और सर्जन पूरा फूंक कर आता है, आप करवाना चाहेंगे? अरे नहीं। इसका मतलब आपको साफ समझ में आता है कि यह आपकी क्षमताओं को कम करता है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस पर गौर करें। क्या आप ये मानते हैं कि आप अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं अपनी क्षमताओं को नीचे लाकर? हेलो, अगर आप इस जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी क्षमताओं को सुपर बनाना होगा। यही एकलौता और एकमात्र तरीका है कि आप जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं को कम करते हैं और फिर सोचते हैं जीवन बेहतर हो जाएगा। ये किस तरह की बेवकूफी है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपको थोड़ा सा ऐसा बना देता है। मैं आपको हर समय ऐसा महसूस करवा सकता हूं, कैसा रहेगा? बिना किसी पदार्थ के मैं हर वक्त ऐसे ही हूं। मेरी आंखों को देखिए, मैं नशे में हूं। yeah. कोई पदार्थ कभी नहीं छुआ, पर पूरी तरह नशे में हूं हर वक्त, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि इस धरती की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री यहां है। अगर आप इसके एक अच्छे मैनेजर हैं तो जो भी अनुभव आप चाहते अपने अंदर से बना सकते हैं और अपनी क्षमताओं को भी ऊपर उठा सकते हैं। अगर आपको कोई अनुभव हो रहा है तो उसकी अनुभूति के लिए भी आपकी क्षमताओं को बेहतर बनना होगा, है ना? क्या यह शरीर इस धरती पर सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री है, सबसे उन्नत और जटिल है? आप मुझसे सहमत हैं? क्या यहां केमिकल इंजीनियर्स हैं? तो मैं पूछ रहा हूं कि आप अपने सिस्टम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इस बारे में आपने क्या किया है? हमने आपको इतनी जटिल मशीन दी है, क्या आपने कम से कम यूजर मैनुअल पढ़ा है? नहीं, बस ऐसे ही आप इसे चला रहे हैं और सोचते हैं कि कुछ अंदर डाल लेने से बेहतर हो जाएगी। नहीं, विश्वास मानिए, इस जीवन को बेहतर बनाने का एक और एकलौता तरीका है कि आप अपनी क्षमताओं को एकदम निखार लें। जिस तरह आप देखते हैं, जिस तरह आप सुनते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, छूते हैं, अगर ये बेहतर हो जाएं, तो कई मायनों में जीवन बेहतर हुआ कि नहीं? इसमें और भी बहुत कुछ है, पर मैं कह रहा हूं कि आप अपने अनुभव से जो जानते हैं, मान लीजिए आपके बगल में जो बैठे हैं, आप उनसे दुगना बेहतर देख सकें, क्या आपका जीवन बेहतर हुआ? अगर आप दूसरे से बेहतर स्वाद ले सकें, जीवन बेहतर हुआ कि नहीं? अगर आप बेहतर महसूस कर सकें, क्या आपका जीवन बेहतर हुआ? अगर आप बेहतर सुन सकें, जीवन बेहतर हुआ? इस स्तर पर आप ये समझ सकते हैं, पर मानवीय क्षमताओं के और भी कई आयाम हैं। अगर आप इन्हें बेहतर कर लें तो यहां बैठे हुए आप आनंद में डूबे होंगे, बस यूं ही यहां बैठे हुए। आप किसी बकवास चीज को छूना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि बस यहां बैठना आपके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव होगा। तो अब खेल का अंत क्या होगा? अगर आपके पास सब कुछ होता तब आप क्या चाहते? अगर आपके पास वो सब कुछ होता जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, सब कुछ ठीक यहां हो, अब आप क्या चाहेंगे? आपको इस पर विचार करना चाहिए, है ना? मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा। अगर आप इतने विचार का भी अपने जीवन में निवेश नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है कि आप बहुत नजदीक का ही देख पाते हैं। हेलो, ये गौतम बुद्ध के साथ हुआ। आपने गौतम के बारे में सुना है? गौतम बुद्ध, क्योंकि उनके पिता ने कोई ज्योतिषी अनुमान सुना था कि वो या तो एक महान शासक बनेंगे या एक महान संत, और उनके पिता उन्हें एक महान शासक देखना चाहते थे। तो उन्होंने इस लड़के को सुरक्षित रखा और एक अलग महल में रखा जहां ऐशो आराम है, सब कुछ जो आप सोच सकते हैं वहां मौजूद है। एक बहुत सुंदर युवा लड़की से उनकी शादी करवा दी, सब कुछ है। किसी हालत में उसे किसी तरह की पीड़ा नहीं दिखनी चाहिए। पर एक दिन वो बस बाहर निकल गए। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा और पूछा, ये आदमी ऐसा क्यों है? होते हैं ना उनके सारथी या गाड़ी चलाने वाले ने कहा, अरे एक समय बाद हर कोई ऐसा हो जाता है। उन्होंने कहा, क्या मैं एक नौजवान राजकुमार हूं, क्या मैं ऐसा हो जाऊंगा? हाँ, ऐसे सभी हो जाते हैं। उन्हें झटका लगा। फिर उन्होंने एक आदमी देखा जो किसी बीमारी से पीड़ित था। ये आदमी इस तरह क्यों है? उन्होंने कहा, ये कई सारे लोगों के साथ होता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, कोई भी बीमार पड़ सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं ये दूसरों के साथ होता है, नहीं, ये हमारे साथ भी हो सकता है। हेलो। और फिर उन्होंने एक अंतिम संस्कार देख लिया, एक मृत शरीर। वो क्या है? उन्होंने कहा, ये तो होना ही है, हर कोई मरेगा।
आपको भी पता है ना, आप भी मरेंगे। नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दूसरे मरते हैं। नहीं, बुद्धि के स्तर पर वो जानते हैं, पर वो सोचते हैं कि वो यहाँ हमेशा के लिए है। नहीं, आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए कि आप मरेंगे। मरेंगे मतलब आपके पास एक सीमित मात्रा में समय और ऊर्जा है। अगर आप इस बारे में हमेशा जागरूक हैं, तो आप अपने समय और अपनी ऊर्जा को कैसे व्यवस्थित करेंगे, आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सुपर ह्यूमन हैं, आप मरने वाले नहीं हैं, दूसरे ही मरते हैं, ऑल द बेस्ट। ये दिन आएगा, आप इसे अपनी मृत्युशैया पर समझकर फिर मर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग शायद सोचेंगे कि ये कुछ ज्यादा ही है, पर आपको बीमारों के लिए बनाए किसी घर या किसी हॉस्पिटल वार्ड में जाकर सेवा देनी चाहिए, जहां लोग मरते हैं। आपको ये देखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। तभी आप जीवन के प्रति संवेदनशील बनेंगे, जीवन अत्यंत मूल्यवान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सीमित समय अवधि है। अगर आप ये देखें तो दुर्भाग्यवश आज दुनिया में 80% से ज्यादा लोग जब आखिरी पल आता है, जब वो मर रहे होते हैं, तो वो डरे हुए नहीं होते हैं, वो पीड़ा में नहीं होते हैं, और कोई भाव नहीं होता है, वो बस हैरान होते हैं। हैरानी की एक झलक उनमें दिखती है, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने बस अपने विचारों और भावनाओं को जिया है, जीवन कभी जिया ही नहीं है। ये जरूरी है, आपको ये समझना ही चाहिए कि एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जो आपके सिर में है, और एक अस्तित्व की सच्चाई है जो जीवन है। ज्यादातर लोग अपनी मनोवैज्ञानिक चीजों को अस्तित्व की सच्चाई समझने की भूल कर रहे हैं। आपके विचार और भावनाएं ब्रह्मांड से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, है ना? हेलो, आप जो भी सोचते हैं, जो भी बकवास आप सोचते हैं या फील करते हैं, क्या वो इस ब्रह्मांड से भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो गया है? इसका मतलब हुआ कि आप अपनी बनाई चीजों को इस सृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको पीड़ित होना ही चाहिए। अगर आप पीड़ित नहीं होते तो मुझे निराशा होगी। हाँ, मुझे होगी, क्योंकि अगर आपकी अज्ञानता आपको पीड़ा नहीं पहुंचाती, फिर क्या, तब मेरा यूज क्या रह गया? क्योंकि इस जाल से बाहर निकलने में बहुत कुछ लगता है, फिर किसी की इस अज्ञानता के जाल से बाहर निकलने की चेष्टा का क्या मतलब हुआ? अगर लोग उस जाल में ही आनंदित रहने लगे तो उसका क्या अर्थ हुआ? फिर ज्ञान का क्या मतलब हुआ? जानने का क्या मतलब हुआ? आत्मज्ञान का क्या अर्थ हुआ? आत्म अनुभूति का क्या अर्थ हुआ? अगर लोग अपनी अज्ञानता में ही परमानंद में रहने लगे, क्या मतलब हुआ? जब आप अनभिज्ञ हैं तो आपको पीड़ित होना ही चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी इस धरती पर सबसे बड़ी बुराई कोई बुराई नहीं है, ये अज्ञानता है।